अब बात करते हैं मध्य क्षेत्र की। तो मध्य से बीजेपी ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें भोपाल की 2 सीटें हैं और बैतूल की 2 सीटें। मुल्ताई सीट से चंद्रशेखर देशमुख को टिकट दिया गया है, जो एक बार के विधायक रह चुके हैं और सुखदेव पांसे को हरा चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से सुखदेव पांसे ही मैदान में हो सकते हैं। चंद्रशेखर देशमुख की ताकत है, पार्टी के आजमाए चेहरे हैं, लंबे समय से सक्रिय हैं और उन्हें संगठन का सहयोग। सुखदेव पांसे की ताकत है, पीएचई मंत्री रहते जो काम करवाए हैं वो उनकी ताकत है, लोगों से सीधा संपर्क है और 3 बार के विधायक। अब देशमुख की कमजोर कड़ी देखें तो भितरघात की आशंका है, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्हें घेरा जा सकता है, विधायक रहने के बावजूद काम नहीं कराए। पांसे की कमजोर कड़ियां देखें तो पांसे की विवादित छवि है, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और संगठन से उनका टकराव है।